एंड ऑफ टर्म, ये है हमारा बेटा आज का न्यू लेसन, फोर्थ आर्टिकल, फोर्थ लेसन है हमारी बुक का। और ये डेविड डेसिस ने लिखा है, इसके राइटर का तारफ और इसके इस आर्टिकल का तारफ जो है वो हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये एक्चुअल जो आर्टिकल है ये क्या है, राइटर ने इसमें क्या लिखा हुआ है। पहले तो हमने उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये समझी देखी थी। एंड ऑफ टर्म यानी टर्म का इख्तिताम। टर्म जो है वो एक ख़ास मुद्दत को कहते हैं। यहाँ पे मुराद तलीमी मुद्दत है। आपको पता है जो तलीमी साल है या जो एजुकेशनल टेन्योर है उसे मुख्तलिफ बाज़ जगहों पे मुख्तलिफ पीरियड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, राइट। तो फ़र्ज़ करें तीन तीन चार चार माह जो है ना वो पढ़ाई होगी और उसके बाद जो है वो एग्ज़ाम, तो वो तीन या चार माह की एक टर्म होगी। आपको ये बड़े अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो ये टर्म जो है थ्री मंथ्स, फोर मंथ्स, सिक्स मंथ्स, जितने भी वो डिसाइड किए जाए, तो कह रहे उस टर्म का जो है वो इख्तिताम है। ये इस हमारे आर्टिकल का टाइटल है जो कि डेविड डेसिस ने दिया है। आई बिलीव, मुझे यकीन है, स्कूल टीचर रोट अ बुक, एक स्कूल के उस्ताद ने एक किताब लिखी सम इयर्स अगो, चंद साल पहले, विद टाइटल, जिसका टाइटल ये था क्या, फ्राइडे, थैंक गॉड, जुमा आ गया, खुदा का शुक्र है। ये उस बुक का नाम था जो एक टीचर ने लिखी है। तो इस बुक को या इसके टाइटल को देख के क्या हुआ, That phrase expresses perfectly my attitude. ये जो जुमला है ये मुकम्मल तौर पे मेरे attitude का इजहार करता है, किसकी तरफ, to the arrival of the weekend. Weekend की आमद के मतलब जो मेरा रवैया होता था उसके मतलब मुकम्मल तौर पे ये मेरा इजहार करता है during मेरे उस attitude का, during term time, अपने term के वक्त के दौरान, when I was a school boy, जबकि मैं एक स्कूल जाने वाला लड़का था, तो वीकेंड के बारे में मेरा जो एटीट्यूड था उसका ये परफेक्ट इजहार था ये सेंटेंस, ये जुमला जो है, फ्रेज। द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल, स्कूल का रोज़ का काम, ये ग्राइंड पीसने को कहते हैं ना, तो वो काम इतना ज़्यादा होता था स्कूल का, तो उसने उसे पिसाई कह दिया है। स्कूल की रोज़ाना की पिसाई यानी बहुत मुश्किल और डिफ़िकल्ट और ज़्यादा काम जो है, विद इट्स अबंडेंट होमवर्क, और इसके साथ इसका बहुत ज़्यादा घर का काम। एक तो स्कूल में काम बहुत होता था, वहाँ पे ग्राइंडिंग होती थी, फिर स्कूल घर का जो होमवर्क है वो बहुत ज़्यादा मिलता था। अबंडेंट मीन्स वेरी लार्ज। इट्स फियर्स कंपटीशन, इसका बहुत सख्त मुकाबला स्कूल का। द सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल, और ये एहसास कि कभी भी इस काबिल नहीं हुआ जाएगा टू रिलैक्स, के आराम किया जाए। प्रेस्ड हैवीली अपॉन मी, मेरे ऊपर वो बहुत ज़्यादा दबाव ये चीज़ डालते थे। ये जो उसने ये बातें की हैं दो तीन, कि ये स्कूल का काम और फिर होमवर्क और बहुत ज़्यादा जो काम है ये, और फिर ये एहसास के कोई टाइम नहीं मिलेगा इसे रिलैक्स करने के लिए, तो ये चीज़ जो है ये मुझे बहुत ज़्यादा दबाव मुझ पर डालती थी, प्रेस करती थी मुझे। अच्छा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस हकीकत के बावजूद, ये थोड़ा सा खराब हो गया इसे ज़रा थोड़ा रेस कर लिया। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस हकीकत के बावजूद, दैट आई ऑफन एन्जॉयड द एक्चुअल क्लास रूम वर्क, कि इस हकीकत के बावजूद कि मैं क्लास का जो काम था, एक्चुअल जो काम होता था उसके अंदर, उससे मैं लुत्फ़अंदोज़ होता था, इसके बावजूद भी ये जो चीज़ें उसने बताई हैं पीछे, कहता है इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मुझ पर प्रेशर होता था। वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त उठना, विद द नॉलेज, इस एहसास और इस इलम के साथ, दैट वन सिंपली हैड टू गेट आउट ऑफ बेड, कि अब जो है ना वो बेड से निकलना ही पड़ेगा। दैट ये कि देर वॉज नो पॉसिबिलिटी, और किसी चीज़ का कोई इम्कान नहीं, किस चीज़ का, ऑफ टर्निंग ओवर फॉर एन एक्स्ट्रा डोज, एक और जो नींद है थोड़ी सी डोज, पता है ना आपको, ऊँगने को कहते हैं,
तो मजीद ऊंघना या जो नींद जो है उसकी कोई अब कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। एंड सीइंग द आवर्स ऑफ स्कूल, और स्कूल का जो टाइम है उसको देखना, स्ट्रेचिंग अहेड, आगे जो है वो सामने सारा दिन जो है वो आगे फैला हुआ है, वाज अ डिजमल एक्सपीरियंस, ये बड़ा ही अनहैप्पी, डिजमल का मतलब होता है अनहैप्पी, बड़ा ही नाखुशगवार तजर्बा होता था। कब? स्पेशली ऑन मंडे, खास तौर से मंडे को, यानी पीर को, ये तो तजर्बा बड़ा नाखुश किस्म का होता था। वी हैड अ मेड, हमारे यहाँ एक दफ़ा एक मेड थी, एक नुकरानी होती थी, हु वुड क्लाइम ईच मॉर्निंग, जो हर सुबह ऊपर आती विद ग्रिम स्टेप्स, बड़े ही ग्रिम, आप मनहूस कह लें, मनहूस कदमों के साथ अप टू द एटिक फ्लोर, उस ऊपर फर्श पे, फर्श से मुराद यहाँ पे वो मंजिल है, वेयर लाइनल, जहाँ के लाइनल एंड आई और मैं स्लेप्ट, सोए होते थे, इन वन बेडरूम, एक कमरे में, एंड माई सिस्टर, और मेरी बहन सिल्विया, सिल्विया बहन जो है, इन अनदर, एक दूसरे कमरे में सोई होती थी। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ, एटिक। अच्छा, इस को अमेरिकन इंग्लिश में एडिक भी प्रोनाउंस करते हैं, ऐसी है जैसे हमारे इस एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट में हम कहते हैं ना ब्रिटिश इंग्लिश में वाटर, लेकिन वो टी को डी प्रोनाउंस कहते हैं वाटर, तो इस तरह से थोड़ा बहुत वो डिफरेंस है। यहाँ पे भी ये जो एटिक है इसको एडिक, मतलब डी जो है वो प्रोनाउंस करते हैं, तो ये एडिक, ये एटिक जो है इसको उर्दू में हम, बड़ा एक अच्छा वर्ड है, बाला खाना, तो बाला खाना या एटिक फ्लोर ऐसी मंजिल होती है जिसकी एक टॉप पे, किसी बिल्डिंग की टॉप पे जो रूम्स बनाए जाते हैं छोटे छोटे कोई चीज़ स्टोर करने के लिए, तो उसको हम एटिक फ्लोर कहते हैं। कहते हैं उस जगह पे हमारा कमरा होता था, तो ये हमारी मेड जो है वो आती थी, उसके कमरे में मैं सोया होता था अपने भाई के साथ, और मेरी सिस्टर जो है सिल्विया वो दूसरे कमरे में होती थी, और ये क्या करती थी आके, एंड अनाउंस इन डीप फ्यूनरल टोन्स, और आके वो रान करती थी अपनी गहरी फ्यूनरल, बड़ी ही उदास लहजे में, लाइनल डेविड सिल्विया टाइम, वो दूर से वादे लगाने लग जाती थी कि लाइनल डेविड सिल्विया टाइम हो गया, आई यूज टू लाई, मैं लेटा करता था। आपको याद है यूज टू जो है उसका एक खास इस्तेमाल है पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जब हमने किसी चीज़ या किसी एक्शन की हैबिट जो है वो जाहिर करनी हो तो फिर हम यूज़ टू यूज़ करते हैं, ठीक है। आई यूज़ टू लाई, मैं लेटा करता था वेटिंग, इंतज़ार करते हुए, फॉर दैट ओमिनस ट्रेड, उस मनहूस वो जो कदम है उनकी आवाज़ सुनने के लिए वेटिंग, मैं उसको लेटा रहता था ऑन द अनकार्पेटेड एटिक स्टेयर्स, उन सीढ़ियों पे जिनके ऊपर कारपेट नहीं होता था, एंड द वॉइस और आवाज़ इट हेराल्डेड, और वो आवाज़ जो इससे निकलती थी साउंडेड इन माई ईयर्स, मेरे कानों में आती थी, लाइक अ समन्स टू डायमिनेशन, इस तरह से जैसे कि वो जहन्नम की तरफ एक बुलावा है, राइट। यहाँ पे एक चीज़ मेरा बेटा देखिएगा, आपको याद है हमने पढ़ा था कि समन जो है वो कोई वर्ड नहीं होता, असल में समन्स होता है, जब हमने ग्रामर पढ़ी थी, तो समन्स असल वर्ड है, और ये वो कैटेगरी है नाउन की, जो कि वो वाले नाउन हैं, देर आर सम नाउन्स विच लुक प्लूरल बट दे आर सिंगुलर इन फैक्ट, तो ये देखें ये उन नाउन में है जो नज़र तो आते हैं जैसे कि ये प्लूरल हों, जमा हों, जैसे देखें यहाँ पे लग रहा है कि ये प्लूरल है, हालांकि ये प्लूरल नहीं होते, और भी हमने बाकी दूसरे नाउन भी पढ़े थे, वो डिटेल से हमने बात की थी, तो ये एस लगा हुआ होने के बावजूद क्या है, सिंगुलर है, राइट, तो एस लगा हुआ है सिंगुलर है, इसलिए पीछे फिर आ समन्स होगा, कभी भी समन्स जो है वो अकेले नहीं आएगा, इसके साथ उसका ये आ समन्स, क्योंकि ये सिंगुलर है। अच्छा, वो कहता है जी कि ये मुझे ऐसे लगता था जैसे ये जहन्नम की तरफ एक बुलावा है,
एंटिसिपेशन वॉज ऑलवेज वर्स. एंटिसिपेशन कहते हैं किसी चीज़ को पहले जो है पेशीन गोई करना, वो पेशीन गोई जो है फोरसी के मानों में वो हमेशा ही बदतर होती है देन द रियलिटी, हकीकत से. आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं पड़ता एवर बीइंग स्पेशली अनहैप्पी इन क्लास, कि मैं कभी भी क्लास के अंदर नाखुश हुआ हूँ. बट द ओप्रेसिव वेट ऑफ द नॉलेज, लेकिन ये ओप्रेसिव दबाने वाला, बट द ओप्रेसिव वेट ऑफ द नॉलेज ऑफ अ फुल डे स्कूल, पूरे सारा दिन स्कूल ये इनका होता था, सारे दिन के स्कूल का इलम के ये सारा दिन स्कूल चलना है, ये वाला जो है वो ओप्रेसिव वेट उसको उसने कहा है कि ये बिल्कुल वो कुचल देने वाला जो दबाव है ये क्या था अहेड, कि ये सारा दिन जो है वो चलना है ये स्कूल, रिमेंड अ करेक्टरिस्टिक सेंसेशन. ये एक बड़ी खसूसियत के साथ ये जज्बा रहा ऑफ माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन का, एंड डिसअपीयर्ड, और ये तब गायब हुआ ओनली आफ्टर आई हैड लेफ्ट स्कूल, जबकि मैंने स्कूल को छोड़ दिया एंड एंटर द यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी में चला गया, वे जहाँ पे कि द स्मॉलर नंबर ऑफ क्लासेस, थोड़ी क्लासेस होती थी टू बी अटेंड करना होती थी, एंड द फ्रीडम ऑफ द स्टूडेंट, और तालिब इल्मों की जो फ्रीडम है, आज़ादी है टू कम एंड गो, आने और जाने की, मेंट अ कम्प्लीटली न्यू काइंड ऑफ एकेडमिक वर्ल्ड, मेंट अ कम्प्लीट न्यू काइंड ऑफ एकेडमिक वर्ल्ड, वो एक नई किस्म की तलीमी दुनिया का मकसद रखती थी, मतलब उसका मीनिंग ही चेंज हो गया था. टू वेक अप ऑन अ थर्सडे, थर्सडे मॉर्निंग, थर्सडे की सुबह को उठना, टू फील द एंड ऑफ द वीक, और ये महसूस करना कि अब हफ्ता जो है उसका इख्तिताम हो गया है, ऑलरेडी लाइंग अहेड, कि वो अब आगे आ रहा है. फ्राइडे मॉर्निंग वॉज पॉजिटिवली रोज कलर्ड, फ्राइडे यानी जुमे की जो सुबह थी वो बड़ी ही रोज कलर्ड होती, बड़ी खूबसूरत होती थी. द लास्ट पीरियड, आखिरी पीरियड, हमारे यहाँ बेल्स होती हैं, पीरियड होते हैं, तो इसी तरह से इनका भी था. एज ईच ऑफ अवर लेसन, जैसे कि हमारा हर एक जो लेसन है वॉज कॉल्ड, उसको कहा जाता था, यानी उसे पीरियड कहा जाता था. ऑन अ फ्राइडे, तो लास्ट पीरियड जो होता था फ्राइडे को, वॉट एवर द सब्जेक्ट, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उस लास्ट पीरियड में, हैड इट्स स्पेशल हैप्पी फ्लेवर, तो इसका एक बड़ा ही खुशगुन मज़ा होता था ऑफ द एंड ऑफ द वीक, हफ्ते के इख्तिताम का. एंड वन वॉक्ड होम, और बच्चा जो है या स्टूडेंट जो है वो घर जाता फ्रॉम स्कूल, स्कूल से ऑन अ फ्राइडे, फ्राइडे आफ्टरनून, जुमे की सुपहर को. ये सुपहर को इसलिए जाते थे क्योंकि अभी पीछे हमने बात की है कि ये फुल डे स्कूल इनका होता था. हाउएवर मच वर्क हैड बीन असाइंड, ताहम बहुत ज़्यादा मच वर्क, ज़्यादा काम जो है वो दिया जाता था फादर मंडे पीर के लिए विद द ट्रेड, और ये जो बच्चा वहाँ पे आखिरी पीरियड पढ़ के जा रहा है तो कैसे जाता था, विद द ट्रेड ऑफ एन एस्केप प्रिजनर, ऐसे जैसे कि वो भागा हुआ या छुटा हुआ कैदी हो. एस्केप कहते हैं बचने को, बचा हुआ या उधर से भागा हुआ जो कैदी है, कहते हैं ऐसे वो उसकी चाल ऐसे होती थी, वैसे जाता था जैसे कि कैद से छूट गया है. फ्राइडे नाइट, जुम्मे की रात, विद टू सॉलिड डेज, दो पूरे दिनों के साथ, बिफोर स्कूल अगेन, स्कूल जाने से पहले के दो दिनों के साथ, ये जो फ्राइडे की नाइट है, क्योंकि इसके आगे दो दिन जो है वो छुट्टी होती थी ना, वाज द बेस्ट नाइट ऑफ द वीक, ये वीक की बेहतरीन या हफ्ते की बेहतरीन रात होती थी, सैटरडे नाइट, और फिर हफ्ते की जो रात है, विद स्टिल अ होल डे, अभी तक एक पूरा दिन होता था बिटवीन इट, इसके दरमियान में एंड मंडे, और मंडे के दरमियान में, वाज प्लेजेंट, वो भी खुशगवार थी इन अ क्वाइट डिफरेंट वे, एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ तरीके से कहता, वो भी प्लेजेंट हुआ करती थी. संडे नाइट, आतवार की रात, वाज फुल ऑफ द थ्रेट ऑफ मंडे मॉर्निंग, वो पीर की सुबह की धमकी के साथ भरी हुई होती थी. समटाइम्स देर वर अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स,
बाज़ कुछ गैर मुतवक्को जो है वो छुट्टियां भी होती थी, अ हाफ हॉलीडे टू लेट अस अटेंड, आधे दिन की छुट्टी ताकि हम अटेंड कर सकें किस चीज़ को, अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल के मैच को, विच सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस, जिसको कि किसी अनदेखे हालात ने हैड कॉज टू बी कैंसल्ड, मुलतवी कर दिया था द प्रिसीडिंग सैटरडे, पिछले हफ्ते को, आर द सडन डिसमिसल, या फिर अचानक ऑफ स्कूल, स्कूल जो है उसको अचानक जो है वो बर्खास्त कर दिया जाता था, एन और आर टू 1 या 2 घंटे बिफोर द यूजुअल टाइम, असल या हसबी ममूल जो टाइम है उससे पहले, बिकॉज ऑफ सम अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस और सेलिब्रेशन, किसी गैर मुतवक्को बहरान या किसी सेलिब्रेशन की वजह से, बट दीज वर फ्यू एंड फॉर बिटवीन, फ्यू एंड फॉर बिटवीन, बेटा एक ईडियम है इसे आप याद रखना, इसका मतलब था कभी कभार, तो कहता है ये जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं ये कभी कभार ही होती थी, वंस अ टर्म, टर्म के दौरान में एक दफ़ा, वी हैड द एनुअल मिड टर्म हॉलीडे, हमें एक मिड टर्म यानी टर्म के दरमियान में एक सालाना छुट्टी भी होती थी, वो क्या होती थी, अ मंडे ऑफ, मंडे को ऑफ कर दिया जाता था, विच मेड अ लग्जूरियसली लॉन्ग वीकेंड, जिसकी वजह से या जो चीज़ जो है वो एक बड़ा ही पुरतश किस्म का लंबा वीकेंड जो है वो बना देती थी, बट इट सीम टू गो जस्ट एज फास्ट, लेकिन ये इसी तरह से तेज़ी से गुजर जाता था एज ऑर्डनरी वीकेंड्स, जिस तरह से कि आम वीकेंड्स गुजरते हैं, एंड ओकेजनली और कभी कभी इन विंटर, विंटर में मौसम सरमा में, इफ़ देर हैड बीन अ कंटिन्यूस हार्ड फ्रॉस्ट, अगर मुसलसल बहुत सख्त बर्फबारी हुई हो, फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए, वी विल गेट अ होल डे स्केटिंग हॉलीडे, तो हमें एक पूरे दिन की स्केटिंग के लिए जो है वो छुट्टी मिल जाया करती थी। इतना ही रखते हैं, थोड़ा लंबा हो जाना, फिर बाकी जो है वो नेक्स्ट टाइम लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।